हेलो एवरीवन। तो आज हम ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वेजिटेशन ऑफ इंडिया। देखो, वेजिटेशन ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जिससे हम डायरेक्ट कनेक्शन कनेक्ट कर सकते हैं वेजिटेशन ऑफ इंडिया से। देखिए, किसी भी एरिया में अगर वेजिटेशन कैसी होगी, अगर ये हमें जानना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस एरिया में कितना रेनफॉल होता है ना। तो रेनफॉल का डायरेक्ट रिलेशन है वेजिटेशन से। तो नॉर्मल हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर रेनफॉल वाला पार्ट अगर देखें इंडिया के अंदर, तो ये वाले पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वेस्टर्न घाट का पार्ट, है ना। तो वेस्टर्न घाट वाला एरिया जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का याला पार्ट है ना, और यहाँ पे एक अंडमान निकोबार हमारा आइलैंड है अरेबियन सी में। इस पार्ट में, इन तीन पार्ट में हमें सबसे ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी। अगर इन तीनों पार्ट में सबसे ज्यादा रेनफॉल होगी तो यहाँ की वेजिटेशन भी कैसी होगी, बिल्कुल हरी भरी होगी। वहीं अगर हम बात करें ये राजस्थान वाला एरिया, कुछ सम पार्ट ऑफ हरियाणा ना, गुजरात, ये सब पार्ट है जहाँ पर सबसे कम रेनफॉल होती है ऑल ओवर इंडिया में। तो यहाँ की वेजिटेशन भी कैसी होगी, बिल्कुल उसी तरह की होगी, कैक्टस वगैरह सारी चीज देखने को मिलेगी ना। वहीं अगर हम बात करें कोस्टल रीजन की, है ना, तो कोस्टल रीजन में क्या है कि थोड़ा सोल्ट वाटर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ बहुत ज्यादा यहाँ पे सेडिमेंट्स जमा होते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स आती है ना, तो रिवर्स यहाँ पे मर्ज होने से पहले कुछ सेडिमेंट्स यहाँ जमा कर देती है कोस्टल रीजन में। तो कोस्टल रीजन में बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स भी है और उसी के साथ साथ यहाँ पे सोल्ट वाटर भी है। तो ऐसी वेजिटेशन जो सोल्ट वाटर को सस्टेन कर सके, ऐसे प्रकार की वेजिटेशन देखने को मिलेगी हमें यहाँ पे। और इसके अलावा ये जो कुछ पार्ट है यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलेगी, है ना। तो आइए हम एक एक करके सारे वेजिटेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट की। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट का भी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले समझा, एवरग्रीन फॉरेस्ट का रीजन कौन कौन सा हो जाएगा, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये तीन ऐसे पार्ट है जहां पर हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, मतलब ऐसा फॉरेस्ट जहाँ के जो पेड़ है वो साल भर हरे भरे होंगे, यानी कि साल में वो एक साथ पत्तियां नहीं झाड़ेंगे, है ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पत्तियां झाड़ेंगे, यानी कि साल भर हरे भरे देखने को मिलेंगे। अच्छा, एवरग्रीन फॉरेस्ट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ऐसे पार्ट जहां पर रेनफॉल 250 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं हम एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ऐसे पार्ट जहां पर 200 सेंटीमीटर से लगभग 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं सेवर एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो अगर हम इस, अब इसकी वेजिटेशन हम समझ लेते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट अगर वेजिटेशन देखें तो कौन कौन सी हो जाएगी, रोसवुड, मोहोगनी, एनी, एबोनी। रोसवुड, मोहोगनी, एनी और एबोनी, ये वेजिटेशन हो गई एवरग्रीन फॉरेस्ट की। और वहीं हम बात करें सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि जहां पर रेनफॉल 200 या 200 सेंटीमीटर तक होता है, तो वहां पे हमें वेजिटेशन देखने को मिलेगी व्हाइट सीडार, हॉलॉग और काइल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट की। देखो, डेसिडियस फॉरेस्ट का ऐसे एरिया में हमें डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे जहां पर रेनफॉल होती है लगभग 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक, 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक। तो डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, ऐसे फॉरेस्ट जहां पर जो पेड़ है वो साल में एक साथ ही अपने पत्ते झाड़ देते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे कुछ रीजन आपको देखने को मिलेंगे जहां पर समर सीजन आएगा तो सारे पेड़ अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। तो इस ऐसे फॉरेस्ट को हम बोलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ड्राई डिसीडियस और एक होता है मॉइस्ट डिसीडियस, ना, मॉइस्ट डिसीडियस और एक होता है ड्राई डिसीडियस। दोनों में डिफरेंस कैसा है, मॉइस्ट डिसीडियस थोड़े से हल्के से हरे भरे होंगे, घने होंगे एज कम्पेयर टू ड्राई डिसीडियस के। डिफरेंस क्या है कि मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट में हमें लगभग 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल उस एरिया में देखने को मिलती है, और ड्राई डिसीडियस यानी कि ऐसे एरिया जहां पर रेनफॉल लगभग 70 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक होती है। मोस्ट डिसीडियस का अगर एरिया देखें तो कौन कौन सा हो जाएगा, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, कुछ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट, और जो हिमालय के जो फुट हिल्स है यानी कि तलहटी के एरिया, वहां पे हमें मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम ड्राई डिसीडियस की बात करें तो सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट, सम पार्ट ऑफ गुजरात और कर्नाटका, ऐसे कुछ एरिया में हमें डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे ड्राई डेसिडियस, ठीक है। तो आइए हम इसके वेजिटेशन समझते हैं कि कहाँ पे हमें कौन सी वेजिटेशन देखने को मिलेगी। अगर डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करूँ तो मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा टिक, है ना, टिक का पेड़ देखने को मिलेगा। इसके अलावा टिक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सैंडलवुड, ये सारे वेजिटेशन हमें देखने को मिलेगी मोस्ट डिसीडियस में। वही अगर मैं ड्राई डिसीडियस की बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा तेंदू, पलास, अमलतास, बेर, खैर, एक्सलवुड। तो ये सब क्या है, वहाँ के वेजिटेशन के नाम है, तो ये हमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ड्राई डिसीडियस, मोस्ट डिसीडियस क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, यानी कि कटीले वन, थ्रोन से मतलब कटे, कांटेदार। तो कांटेदार वन कहाँ पे होंगे, पेड़ कहाँ पे होंगे, जहाँ पर रेनफॉल कम होगी। तो कौन कौन से एरिया हो गए, जैसे कि साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ पंजाब,
ये उसका रीजन हो गया, सम पार्ट ऑफ हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का ऊपरी पार्ट जैसे कि मुरैना है ना, भिंड, मुरैना ऐसे ये कुछ पार्ट के अंदर। यहाँ रेनफॉल कितनी होती है? लगभग लेस देन 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर से रेनफॉल कम होती है। और यहाँ पे आपको कौन कौन से ट्रीज देखने को मिलेंगे? तो बबूल, बेर, वाइल्डेड पाम यानी खजूर, नीम, खेजरी और एक होती है टुस्सू ग्रास है ना। ये सब एनसीईआरटी के अंदर देखे रखें, इधर सभी के नाम यहाँ पे बता के रखें, टुस्सू ग्रास। तो ये कुछ वेजिटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइडल फॉरेस्ट है ना। तो टाइडल फॉरेस्ट हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? ऐसे एरिया जहाँ पर डेल्टाज हो। डेल्टाज क्या होते हैं? जहाँ पर रिवर जो है ओशन में मिलने वाली होती है, तो उससे मिलने से पहले यानी कि उस कोस्टल रीजन में क्या कर देती है? अपने सेडिमेंट्स जमा कर देती है, तो एक दलदल जैसा भाग बन जाता है, तो उस भाग को हम बोलते हैं डेल्टास। ठीक है, तो अलोंग द कोस्ट ऑफ डेल्टास हमें टाइडल फॉरेस्ट देखने को मिलेगी। इसके अंदर वेजिटेशन कौन कौन से होंगे? मैंग्रोव और सुंदरी ट्री ना, जैसे सुंदरवन का डेल्टा हमने नाम सुना होगा, तो वहाँ पे हमें सुंदरी ट्री बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी और बिल्कुल बहुत ज्यादा झाड़ियाँ वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा, ऐसी वेजिटेशन जो इसे कोस्टल रीजन में देखने को मिलती है, जैसे मैंग्रोव हो गया, सुंदरी हो गया, जो कि खारे पानी को भी क्या करते हैं? सस्टेन करते हैं। इनको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स। क्या होते हैं इनको? हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे वेजिटेशन जो कि टॉलरेंट ऑफ सैलिनिटी यानी खारे पानी को भी टॉलरेंट कर सकते हो। अच्छा, इसका रीजन क्या हो जाएगा? कौन कौन से एरिया में देखने को मिलेंगे? तो इसका रीजन होगा सुंदरवन है ना, सभी ने सुंदरवन का डेल्टा का नाम सुना होगा, या तो फिर वेस्ट बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क नाम सुना होगा, तो वहाँ पे हमें ये सब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट रीजन कौन सा हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये कुछ रीजन हो जाएंगे जहाँ पर हमें ये वेजिटेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे माउंटेन फॉरेस्ट की। देखो माउंटेन फॉरेस्ट में क्या है कि जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। जैसे हमने एटमोसफेयर में पढ़ा था है ना, कि एल्टीट्यूड वाइज अगर ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर भी डाउन होता है। तो टेम्परेचर अगर डाउन होगा तो वहाँ की वेजिटेशन भी हमें डिफरेंट देखने को मिलेगी। तो हम बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट की। तो अगर आप फुटहिल से यानी कि माउंटेन्स के फुट से अगर ऊपर जा रहे हो 100 1000 मीटर ऊपर तक, तो हमें यहाँ पे डिसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अब डिसीडियस फॉरेस्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, उसमें कौन कौन से पेड़ हमें देखने को मिलते हैं, वेजिटेशन देखने को मिलती है, वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इसके बाद अगर मैं 1000 मीटर से जाऊँ 3000 मीटर के बीच में ना, मतलब हाइट में पहाड़ में अगर ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं 1000 मीटर से 3000 मीटर ऊपर तक, तो मुझे कौन से वेजिटेशन देखने को मिलेगी यहाँ पे? वेट टेम्परेट वेजिटेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वेट टेम्परेट क्लाइमेट टाइप देखने को मिलेगा। तो वहाँ की वेजिटेशन किस होती है वेट टेम्परेट की? तो उसके कुछ वेजिटेशन के नाम है, पेड़ों के नाम है, जैसे कि ओक, चेस्टनट, चिनार, वालनट और देवदार। और वहीं हम बात करते हैं 3000 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक, तो हमें टेगा टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलेगी। और 4000 से जितना भी ऊपर जाएंगे हम टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलेगी है ना। तो वेट टेम्परेट में कौन कौन से हमको पेड़ देखने को मिलेंगे, ट्री देखने को मिलेंगे? तो ओक, चेस्टनट, चिनार, वालनट और देवदार। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेगा फॉरेस्ट की, सॉरी 2000 मीटर से 3000 मीटर की है ना। तो ये भी वेट टेम्परेट के अंदर ही आता है, लेकिन जब हम 2000 मीटर के थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं और 3000 से नीचे रहते हैं, तो हमें कुछ और डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट ब्लू पाइन और स्प्रूस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं 3000 मीटर से ऊपर। तो 3000 मीटर से लेके 4000 मीटर के बीच में जो हमें वेजिटेशन देखने को मिलती है, उसका नाम है सिल्वर फर्न्स, जूनिपर्स और पाइन्स। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार क्लाइमेट कैसा, कौन सा क्लाइमेट माना जाएगा? ये टाइगर टाइप क्लाइमेट है ना। और कौन कौन सी वेजिटेशन देखने को मिलेगी? तो सिल्वर फर्न्स, जूनिपर्स और पाइन्स। और नेक्स्ट इसके ऊपर अगर हम जाएंगे 4000 मीटर के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं टुंड्रा टाइप वेजिटेशन। तो यहाँ पे कुछ लाइकेन और मोसेस देखने को मिलेंगे, मतलब काई जैसे जंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट याद रखना कि साउथ इंडिया में जो माउंटेन्स है, जैसे कि अनाई मुडी हो गया है ना, नीलगिरी माउंटेन हो गए, तो वहाँ पे ऊपर जाके ऊपर जब हम जाते हैं हाइट में, तो वहाँ भी क्लाइमेट थोड़ा डाउन हो जाता है, तो वहाँ भी हमें टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो साउथ इंडिया में वो जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं उसको हम शोलास के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शोलास। नेक्स्ट कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट है, जैसे ट्रोपोफाइट्स। ट्रोपोफाइट्स कैसे होते हैं? तो ऐसे प्लांट जो कि ऐसी क्लाइमेट कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे जहां पर पीरियोडिकली हैवी रेनफॉल और पीरियोडिकली क्या देखने को मिलेगा? ड्रॉट। जैसे कि हमारे इंडिया में हम बात कर लेते हैं, तो मानसून सीजन में बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है ना, वही विंटर सीजन में क्या रहता है? ड्राइनेस रहती है। तो ऐसे प्लांट्स जो कि अल्टरनेट रेनफॉल और अल्टरनेट ड्राई ड्रॉट ऐसे एरिया में होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रोपोफाइट्स। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट समझना है यहाँ पे एपीफाइट्स। तो एपीफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे वेजिटेशन या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक के ऊपर एक लग जाते हैं। कभी हमने देखा होंगे कि एक ही पेड़ के ऊपर कोई दूसरा पेड़ उग गया है ना, तो उसको हम बोलते हैं एपीफाइट्स। नेक्स्ट जो हमें लेटेस्ट डाटा हमारा
इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का, उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स हम समझ लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इसमें बताया कि जो पूरा ऑल ओवर इंडिया है, इसके अंदर 80.9 मिलियन हेक्टर में हमें फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है, 80.9 मिलियन हेक्टर में। अगर इसका हम इसके पार्ट की बात करें, तो पूरा अगर पूरा इंडिया 100% है, तो उसका 24.62% में हमें फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, यानी कि भारत के 24.62% एरिया में हमें फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा। अगर लार्जेस्ट एरिया की बात करें कि लार्जेस्ट एरिया फॉरेस्ट का कहाँ पे, तो है मध्य प्रदेश में, और अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो है मिजोरम। देखो इसको समझना कि मान लो कि मध्य प्रदेश है 1,000 स्क्वायर किलोमीटर, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, तो उसके अंदर मान लो 60 स्क्वायर किलोमीटर क्या है, फॉरेस्ट कवर है ना, तो मान लो कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा है। वहीं अगर मैं मिजोरम की बात करूँ, तो मान लो कि मिजोरम को पूरा ऑल ओवर एरिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कि 60 स्क्वायर किलोमीटर है, और उसके अंदर जो फॉरेस्ट कवर है वो मान लो कि 40 स्क्वायर किलोमीटर है, तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मिजोरम में ज्यादा है ना, मिजोरम का जो 100% है उसमें तो बहुत ज्यादा परसेंटेज तो फॉरेस्ट कवर का है। लेकिन अगर एरिया वाइज देखें तो लार्जेस्ट एरिया कौन सा है, मध्य प्रदेश का, ठीक है। और ये जो नई रिपोर्ट आई है, इसके तहत क्या पता चला है, इसके तहत ये हमें मालूम पड़ता है कि जो फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो इसके पहले ये क्या, जो रिपोर्ट आती है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये हर 2 साल में एक बार आती है, तो इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी 2019 में आई थी, ठीक है। तो उसके कंपेरिजन में अगर देखा गया 2021 में, तो इंडिया के अंदर जो है 2,261 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है फॉरेस्ट का, वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया का लगभग सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो फॉरेस्ट है वो कौन सा है, ट्रॉपिकल मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। कितना परसेंटेज है उसका, तो लगभग 37%, ठीक है। उसके सेकंड नंबर पर कौन सा देखने को मिलेगा आपको, सेकंड नंबर पर देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस, लगभग उसका परसेंटेज कितना है, 28%, ठीक है। उसके थर्ड नंबर पर देखने को मिलेगा आपको ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसका परसेंटेज लगभग 8%। फिर सब ट्रॉपिकल मोस्ट हिल यानी कि पहाड़ों के ऊपर जो टेम्परेट फॉरेस्ट है उसका परसेंटेज 6%, और ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का परसेंटेज है लगभग 4%, ठीक है। तो ये कुछ हमने चीजें देख ली है, थोड़ा मैंने स्पीड से करा है ताकि तुम्हारा अच्छे से रिविजन हो सके, और इसमें सीधी सी बात है, जो भी फैक्चुअल चीजें वही इसमें पढ़ा जाएगी, और कोई फालतू का टाइम पास देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो इसके इसके बाद इसको पढ़ने का आप लोगों को उसको क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। थैंक यू।